Welcome to the YouTube channel of 30 Minutes. Jobs, studies, नए opportunities. ऐसे कई सारे reasons के लिए Indians दूसरे country में रहने जाते हैं और NRI या non-resident Indian बन जाते हैं. NRIs इंडिया में insurance खरीदने के लिए eligible होते हैं और उनको इसके अपने benefits मिलते हैं. तो चलिए देखते हैं कि NRIs को इंडिया में insurance लेने का क्या फायदा है. Number one, GST refund. कई इंश्योरेंस पॉलिसीज में NRIs GST रिफंड के लिए एलिजिबल होते हैं अगर वो अपनी NRE अकाउंट से पेमेंट करते हैं. NRE अकाउंट या नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें सिर्फ फॉरेन अर्निंग्स डिपॉजिट की जा सकती है और फिर उन्हें इंडिया में किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जा सकता है. याद रखिए कि GST रिफंड के अलावा NRIs का प्रीमियम कंट्री टू कंट्री डिफर करता है. ज्यादातर केसेस में USA और नॉन USA का डिवीजन होता है और नॉन USA कंट्रीज में एट रिस्क कंट्रीज यानी वो कंट्रीज जो वॉर जोन में आते हैं उनमें रहने वाले NRIs के प्रीमियम थोड़े ज्यादा हो सकते हैं. नंबर टू, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट. NRIs अपनी सर्जरी और ट्रीटमेंट इंडिया से कराना प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें यहां वही वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिलती है. यही नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ NRIs को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे OPD ट्रीटमेंट कवरेज, क्रिटिकल इलनेस कवर और मेंटल हेल्थ के लिए कवरेज. नंबर थ्री, बेनिफिट्स फॉर NRI प्लानिंग टू रिटायर इन इंडिया. कई NRIs रिटायरमेंट के लिए इंडिया वापस आना प्रेफर करते हैं अपने प्रैक्टिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से. बाहर कमाकर जमा किए हुए पैसे से इंडिया में बेहतर लाइफस्टाइल से जिया जा सकता है और यही नहीं, कई NRIs अपनी फैमिली रूट से जुड़े रहने के लिए भी वापस इंडिया आके रिटायर्ड लाइफ बिताना प्रेफर करते हैं. जाहिर सी बात है, ऐसे में इंडियन लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए जरूरी और अच्छा रहेगा. तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन NRIs के लिए इंश्योरेंस के बारे में. अगर आपको हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ और सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए.